जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग एवरीवन। राम राम रोहित कुमार जी, सुनीता शर्मा जी नमस्कार, वाहिद अली नमस्कार, जय हिंद दोस्तों सभी को। दोस्तों एक बार सेशन को शेयर करेंगे ताकि हमारे सारे साथी हमारे साथ जुड़ सकें, ठीक है। सेशन स्टार्ट करेंगे जल्दी, थोड़ा सा लेट हो गया 4-5 मिनट। गुड इवनिंग बंटी यादव जी, पिंकी गौतम, जय हिंद नमस्कार दोस्तों, नमस्कार सभी को नमस्कार, ठीक है। देखिए सेशन स्टार्ट करेंगे जल्दी से जल्दी। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, ठीक है। देखिए दोस्तों पहला सवाल क्या है, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक थे, ठीक है। उसने किस वर्ष भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, ठीक है। कुल मिला के बात यह है कि वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया था, ठीक है। समुद्र के मतलब समुद्र का जो मार्ग था उसकी खोज वास्को डी गामा ने कब की थी, किस सन में की थी, दोस्तों बताएंगे। दोस्तों सभी का आंसर आना चाहिए, जल्दी जल्दी आंसर बताते चलेंगे हम लोग, आगे बढ़ते चलेंगे दोस्तों, ठीक है। जय हिंद पिंकी गौतम जी, अनिल पाल बहुत बढ़िया सी बता रहे हैं, राहुल त्यागी भी सी बता रहे हैं, नमस्ते सतीश यादव जी नमस्कार। दोस्तों एक बार सेशन को शेयर कर देंगे सभी लोग ताकि हमारे सारे साथी हमारे साथ जुड़ सके, ठीक है। बहुत बढ़िया सुनीता शर्मा सी बता रही है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। दोस्तों देखिए आंसर इसका क्या है, आपका सी है, आंसर आपका सी ही होगा, 1498 सभी को पता है 1498 में आए थे, ठीक है। यहाँ पे किस जगह आए थे, ये कैलीकट में, कैलीकट एक जगह आपकी कैलीकट, ठीक है, कहां पर, केरल में, केरल में एक जगह है, केरला में एक जगह है कैलीकट, ठीक है। यहाँ पर ये आए थे कौन, 1498 में वास्को डी गामा। यहाँ का राजा उस समय कौन था, जमोरेन, याद रखेंगे सभी लोग, राजा यहाँ का कौन था, जमोरेन, जमोरेन उस समय यहाँ का राजा था जिसने इनका मतलब भव्य स्वागत किया था इनका, ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों, ठीक है। इनका भव्य स्वागत किया गया था किसके द्वारा, राजा यहाँ के राजा जमोरेन के द्वारा 1498 में आए थे, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे चलेंगे, वर्ष किस में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्टुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। कुल मिला के आपको ये बताना है कि 1612 की बात है, 1612 में स्वाली की बात है, स्वाली सूरत में एक जगह है, ठीक है, वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाल को हरा दिया था, पुर्तगालियों को हरा दिया था, बताइए दोस्तों। ओके मैंने सन बता दिया उसे आपको, ठीक है, किस सन की बात है दोस्तों बताएंगे, किस सन में बेसिकली, ठीक है, हराया था, बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस सन में हराया था दोस्तों बताएंगे सभी। स्वाली कहां पे, सूरत में, ठीक है, किस सन में हराया था दोस्तों सभी बताएंगे। 1608 बता रहे हैं अंबर जी, बहुत बड़े, वाहिद अली सेकंड का सी बता रहे हैं, सतीश यादव भी सी बता रहे हैं, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, ठीक है, मेरे मुंह से निकल गया था गलती से। देखिए दोस्तों ये क्या है, 1612, ठीक है, 1612 में, वर्ष 1612 में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बेसिकली क्या किया था, पुर्तगालियों को हरा दिया था दोस्तों। दो सन और याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बार है, 1759 की बात करेंगे और 1760 की बात करेंगे, 1759 और 1760 की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1759 में क्या हुआ था, 1759 में आपका हुआ था बेदारा का युद्ध, बेदारा का युद्ध हुआ था, और 1760 में आपका क्या हुआ था, बॉन्डीबॉस का युद्ध, ठीक है, बॉन्डीबॉस का युद्ध आपका क्या हुआ था 1760 में, और 1759 में किसका हुआ था आपका, बेदारा का युद्ध। इन दोनों युद्ध में क्या हुआ था, ये वाला आपका हुआ था किसका, डच के साथ, बेदारा वाला युद्ध आपका किसका, किसके साथ हुआ था, डच के साथ, और ये बॉन्डीबॉस वाला किसके साथ हुआ था, फ्रेंच के साथ, फ्रांस के साथ, ये वाला हुआ था फ्रांस के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का, और ये वाला आपका किसके साथ हुआ था, डच के साथ, ठीक है दोस्तों। दोनों ही याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है, इन दोनों युद्ध से ये डिसाइड हो गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी भारत में या फिर ये दोनों देश रहेंगे, ठीक है, ये दोनों देश इसके बाद विदा हो गए थे भारत से, ठीक है, ये फाइनल युद्ध थे इन दोनों देशों के। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे चलेंगे, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के 7 अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे, बताइए दोस्तों किस वर्ष की बात है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने महाराजा रणजीत सिंह जो कि पंजाब के आपके महाराजा थे, ठीक है, उनके साथ संधि की थी, ठीक है, पहली अमृतसर की पहली संधि की गई थी, किस वर्ष में की गई थी दोस्तों सही बताएंगे। आपके सामने ऑप्शन है 1800, 1805, 1806 और 1809, बताइए दोस्तों किस वर्ष में संधि हुई थी रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, दोस्तों सभी का आंसर आना चाहिए थर्ड क्वेश्चन का। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन का आंसर करेंगे, बहुत बड़े, सबसे बड़े सतीश यादव का आंसर आया है सी, राहुल शर्मा भी 1806 बता रहे हैं, सुनीता शर्मा जी भी बता रही हैं, शिवम राज भी बता रहे हैं। दोस्तों आपका सभी का आंसर गलत है, यह बात है आपके 1809 की, ठीक है, याद रखेंगे बात कब की, 1809 की, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह कौन थे, अच्छा देखिए इस संधि के बाद क्या डिसाइड हुआ था, इस संधि का डिसाइड हुआ था जो सतलज नदी है, ठीक है, जो सतलज नदी है, सतलज नदी के पूर्व का हिस्सा जितना भी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाएगा, और पश्चिम वाला पूरा हिस्सा किसका हो जाएगा, महाराजा रणजीत सिंह का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात क्या बोला था, हाँ रणजीत सिंह जो है, रणजीत सिंह वही है जिन्होंने गोल्डन टेम्पल पर, ठीक है, हरमिंदर साहिब पे,
हरमिंदर साहिब जो आपका मंदिर है, हरमिंदर साहिब हरमिंदर साहिब की बात कर रहे हैं, मतलब स्वर्ण मंदिर की बात कर रहे हैं जो आपका अमृतसर में बना हुआ है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। उसके ऊपर जो गोल्डन प्लेट चढ़वाई थी ना, जो सोने की परत जो चढ़वाई है ना, वो किसने चढ़वाई थी? महाराजा रणजीत सिंह ने चढ़वाई थी। ठीक है दोस्तों, सोने की परत हरमिंदर साहिब पर किसने चढ़वाई है? राजा महाराजा रणजीत सिंह ने चढ़वाई है। उसके बाद से उसको स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले सवाल पे चलेंगे सभी। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष टैक्स का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। बताइए दोस्तों, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी कितने रुपए, कितने लाख रुपए देने के लिए सहमत हो गई थी मुगल सम्राट को? देखिए दोस्तों, आपके 82 लाख, 26 लाख, 44 लाख या 68 लाख, ठीक है, ये रुपए क्या सालाना दिए जा रहे थे, सालाना रुपए ये दिए जाते थे, बताइए कितने रुपए देने के लिए तैयार हो गई थी? बक्सर का युद्ध दोस्तों कब हुआ था, क्या आपको पता है? तो दोस्तों सुनिए, बक्सर का युद्ध आपका हुआ था 1764 में। बक्सर का युद्ध दोस्तों हुआ था 1764 में। यही प्लासी का युद्ध पूछा जाता है, प्लासी का हुआ था 1757 में। अच्छा, 1764 में जब ये युद्ध हुआ, किस किस के बीच में हुआ था 1764 में ये मतलब युद्ध जो हुआ था आपका? ईस्ट इंडिया कंपनी से तो कौन था? हेक्टर मुनरो। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था दोस्तों? हेक्टर मुनरो। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था? हेक्टर मुनरो। और हम लोगों की तरफ से कौन था, मतलब इंडियंस की तरफ से कौन था? तो नवाब थे पहले तो बंगाल के, जिनका नाम था मीर कासिम। ठीक है, बंगाल का नवाब लिख लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठा करिए, मैं आपको पहले बोला है। ठीक है, बंगाल के नवाब थे जिनका नाम क्या था? मीर कासिम। ठीक है, उसके बाद फिर आपके अवध के नवाब थे, अवध के नवाब का नाम क्या था? शुजाउद्दौला। अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला। और हमारे मुगल सम्राट थे उस समय शाह आलम। ठीक है, मुगल सम्राट थे शाह आलम। ये तीनों एक तरफ थे और ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ थी, लेकिन फिर भी जीती कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद 1965 में संधि हुई दोस्तों। कब संधि हुई? 1965 में संधि हुई, और संधि के तहत 26 लाख रुपए तय हुए। 26 लाख रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी आप किसको देगी? मुगल सम्राट को देगी। अच्छा, उसके बाद 26 लाख क्यों देने के लिए तैयार हुए? नमस्ते नमस्ते राहुल शर्मा जी, 26 लाख क्यों देने के लिए तैयार हुए? क्योंकि उन्होंने बोला कि अब जितना भी राज्य है आपका, ठीक है, उस सब पे हम मतलब बिजनेस कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी टैक्सेस के। ठीक है, 26 लाख रुपए हम आपको सालाना देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले सवाल पे चलेंगे। मेरठ छावनी में, ठीक है, बात हो रही है दोस्तों किसकी? मेरठ छावनी की। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? बताइए दोस्तों, सभी बताएंगे। मेरठ छावनी में जो 1857 की जो सैनिक विद्रोह की शुरुआत हुई थी, वो बेसिकली किस तारीख को हुई थी दोस्तों? 8 मई 1857, 11 मई 1857, 10 मई 1857 या फिर 9 मई 1857। दोस्तों आप लोग सेशन को शेयर नहीं कर रहे हैं, एक बार जो भी आपके ग्रुप हैं, जहां भी ग्रुप हैं, एक बार सेशन को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि हमारे सारे साथी हमारे साथ जुड़ सकें। ठीक है, एक बार दोस्तों सभी शेयर करेंगे सेशन को। आरती कमल का 5th का A आ रहा है, उत्कर्ष का 5th का C आ रहा है, सिद्धार्थ सी बता रहे हैं, सागर चौधरी डी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया दोस्तों, राहुल त्यागी भी डी बता रहे हैं। दोस्तों एक बार सेशन को शेयर करेंगे ताकि हमारे सारे साथी हमारे साथ जुड़ सके। 11 मई 1857 बता रहे हैं दोस्तों, आंसर आपका होगा 10 मई 1857। आंसर क्या होगा? 10 मई 1857। देखिए दोस्तों, बात की जाए अगर आपकी, तो बात हुई स्टार्ट आपकी कब से? 29 मार्च से। ठीक है, 29 मार्च से आपकी बात स्टार्ट हुई। कब से? 29 मार्च से, 29 मार्च। ठीक है, 1857 29 मार्च से क्या बात स्टार्ट हुई? अंग्रेजों ने ये स्टार्ट किया, अंग्रेजों ने बोला जो पहले जो बंदूकें यूज कर रहे थे उनकी जगह उन्होंने बोला कि अब एनफील्ड राइफल, ठीक है, नई मतलब राइफल्स लेके आए, एनफील्ड राइफल नाम था जिनका, उसको लेके आए। उन्होंने बोला कि अब इन राइफल्स का यूज किया जाएगा। उन राइफल में जो कार्ट्रिजेस यूज होते थे, जो कारतूस यूज होते थे उन राइफल्स में, उन कारतूसों में क्या था? उन कारतूसों में गाय की और सुअर की चमड़ी से वो बेसिकली कारतूस बने होते थे। और उनको चलाने से पहले ना, कारतूस को चलाने से पहले कारतूस को मुंह से छीलना पड़ता था। ठीक है, जिसका विरोध हमारे जितने भी इंडियंस थे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबने किया कि भाई देखो, मतलब हिंदूज का कहना था कि अगर गाय की चमड़ी से बना हुआ है तो गाय तो हमारे लिए बहुत पवित्र होती है, हम कैसे मतलब यूज कर सकते हैं। और मुस्लिम धर्म में सुअर बहुत ज्यादा मतलब नापाक माना जाता है, तो उनका ये कहना था कि हम सुअर की चमड़ी को ऐसे दांतों से नहीं कर सकते, छील नहीं सकते। ठीक है, इस वजह से बहुत विरोध हुआ। ठीक है, 29 मार्च की बात है दोस्तों, 29 मार्च को एक 34th इन्फेंट्री थी, ठीक है, 34th रेजिमेंट थी,
ठीक दोस्तों, कौन सी रेजिमेंट थी? 34th रेजिमेंट थी, 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही थे जिनका नाम था मंगल पांडे। ठीक है, 29 मार्च की बात है, 29 मार्च को 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही थे मंगल पांडे, जिन्होंने बेसिकली पूरी सेना नहीं, मतलब वो पूरी रेजिमेंट नहीं विद्रोह किया, लेकिन मंगल पांडे ने क्या किया, वहां के जो मतलब ऑफिसर्स थे एक दो, उनको मार दिया। ठीक है, एक ऑफिसर को मार दिया। उसके बाद मंगल पांडे को, 29 मार्च की ये बात है, और मंगल पांडे को 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। और क्या हुआ कि जो 34वीं रेजिमेंट जो पूरी थी, उस पूरी रेजिमेंट को बर्खास्त कर दिया गया। ठीक है, उस रेजिमेंट को पूरी को बर्खास्त कर दिया गया कि अब ये रेजिमेंट नहीं रहेगी। ठीक है, इस रेजिमेंट के जो भी सिपाही थे उन्होंने विद्रोह किया। ठीक है, विद्रोह करने के बाद उन्होंने क्या किया, 10 मई को बेसिकली जो मतलब वहां के ऑफिसर्स थे उनको, उनके ऊपर गोलियां चलाई, अपने साथियों को वहां से छुड़ाया। ठीक है, जेल से, बिल्कुल बताएंगे सलीम जावेद जी। ठीक है, उन्होंने अपने साथियों को जेल से छुड़ाया और 10 मई को वहां से मार्च किया, कहां के, दिल्ली के लिए। ठीक है, 10 मार्च को इन लोगों ने वहां से मार्च कर लिया दिल्ली के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलेंगे, बहुत लंबी कहानी हो गई। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? बताइए दोस्तों, इनमें से अंग्रेजों को सहायता किसने प्रदान नहीं की थी 1857 की क्रांति में? ग्वालियर के सिंधिया ने नहीं की, अवध की बेगम हजरत महल ने, हैदराबाद के निजाम ने, या भोपाल की सिकंदर बेगम ने? इनमें से कौन सा ऐसा राजा या फिर रानी थी, बेगम थी, जिन्होंने मतलब मदद नहीं की अंग्रेजों की 1857 की क्रांति में? बताएंगे दोस्तों, सही बताएंगे सतीश यादव डी बता रहे हैं, राहुल शर्मा जौनपुर बी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया राहुल शर्मा जी। दोस्तों सभी का आंसर आना चाहिए, सभी लोग एक बार ट्राई करेंगे। ठीक है, और दोस्तों एक बार सेशन को शेयर करेंगे ताकि हमारे सारे साथी जुड़ सके हमारे साथ। बहुत बढ़िया, उत्कर्ष सिंह भी बता रहे हैं, सुनीता शर्मा डी बता रही हैं। ठीक है दोस्तों, जिस किसी का आंसर डी है या फिर सी है वो उनका गलत है। दोस्तों आंसर आपका क्या होगा, ये आपकी अवध की बेगम थी हजरत महल। ठीक है, अवध की बेगम थी दोस्तों हजरत महल, इन्होंने बेसिकली सपोर्ट नहीं किया था ब्रिटिशर्स का। ठीक है, ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करने वाले में कौन थे, ब्रिटिशर्स की मदद करने वालों में कौन थे? ग्वालियर के सिंधिया ने ब्रिटिशर्स की मदद की थी, हैदराबाद के निजाम ने की थी, भोपाल की सिकंदर बेगम ने मदद की थी। ठीक है, और किस किस ने मदद की थी, तो सुनिए दोस्तों, ये पटियाला के जो राजा थे उन्होंने मदद की थी, जो आपकी ये इंदौर की बेगम थी, बेगम होलकर बाई, ठीक है, होलकर जो राजा थे इंदौर के, उन्होंने मदद की थी। तो इन कई लोगों ने जम्मू कश्मीर, मतलब कश्मीर के जो राजा थे उन्होंने भी मदद की थी, इन सब लोगों ने ब्रिटिशर्स की मदद की थी। ठीक है दोस्तों, ये अवध की बेगम जो हजरत महल थी, इन्होंने बेसिकली प्रॉपर लखनऊ से इन्होंने 1857 की क्रांति में विद्रोह किया था, प्रॉपर लड़ाई लड़ी थी इनके अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, झांसी की रानी ने कहां से लड़ी थी, तो झांसी की रानी ने आपकी झांसी से और ग्वालियर से लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है दोस्तों, आपके नाना साहेब ने कहां से लड़ाई लड़ी थी, तो देखिए दोस्तों सवाल पूछा जाता है, नाना साहेब ने कहां से लड़ाई लड़ी थी, नाना साहेब ने आपकी लड़ाई लड़ी थी दोस्तों ये कानपुर से। ठीक है, कानपुर से नाना साहेब ने लड़ी थी। आपकी बेगम हजरत महल ने कहां से लड़ी थी, बेगम हजरत महल की बात की जाए अगर, बेगम हजरत महल ने लड़ी थी दोस्तों लखनऊ से। ठीक है, और दोस्तों एक और थे आपके कुंवर सिंह जी, ठीक है, बिहार से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। सबसे अगर एजेड पूछा जाए, सबसे अगर वृद्ध पूछा जाए, सबसे वृद्ध सेनानी कौन से थे 1857 की क्रांति के, गुड इवनिंग दिव्यांशु राजपूत जी, ठीक है, सबसे वृद्ध सेनानी का पूछा जाए तो वो कौन थे, कुंवर सिंह जी थे, जो कि कहां से थे, बिहार से थे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले सवाल पे चलेंगे इसी के साथ। देखिए 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहां पर फांसी दी थी? दोस्तों बताएंगे तात्या टोपे जी को कहां पर फांसी दी गई थी, झांसी में, शिवपुरी में, कानपुर में, या फिर सागर में? बताइए दोस्तों, गुड इवनिंग। देखिए दोस्तों बताइए कि तात्या टोपे जी को कहां पर फांसी दी गई थी, दोस्तों सभी लोग बताएंगे एक बार, और दोस्तों एक बार सेशन को शेयर करेंगे ताकि हमारे सारे साथी हमारे साथ जुड़ सके। ठीक है, आज भी संख्या काफी कम दिख रही है, क्या बात है भाई, क्या चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं? दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, जितना मैंने आपको पढ़ाया ना पिछले 12 क्लासेस में, क्योंकि 12 क्लास हुई, ज्यादा हुई नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, आज का MTS का जो आज का पेपर हुआ है ना, पेपर उठाइए और एक बार चेक कीजिए कि क्या कम से कम 25 में से, वहाँ 25 क्वेश्चन आते हैं MTS में, 25 में से कम से कम 10 क्वेश्चन क्या इन पिछली 12 क्लासेस में से नहीं फंसे हैं क्या? आप एक बार SSC MTS का इसका पेपर उठाइए और चेक कीजिए कि 25 में से कम 10 क्वेश्चन, मतलब सोचिए 12 क्लासेस में मैंने 40% पेपर फंसा दिया, 12 क्लासेस में 40% पेपर इन्हीं से फंसाए, इन पिछली 12 क्लासेस से। ठीक है, जो भी बातें मैंने लिखी हैं या फिर बोली हैं या फिर
पढ़ाई है उनमें से आपके 12-10 क्वेश्चन कम से कम फंसे हैं, ठीक है दोस्तों। और नहीं तो जब एग्जैक्ट जब वो आ जाएंगे ना क्वेश्चन तो मैं आपको दिखा दूंगा। जयराम जी की, महेंद्र यादव जी, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या दिया गया, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आप लोग मेहनत कीजिए बस, ठीक है। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे पता है क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं। आप बस साथ में बस लगे रहिए, ठीक है, पीछे नहीं हटना है, हार नहीं माननी है। देखो पता है मैं एक बहुत सिंपल सी बात बोलता हूँ, चीज़ों को स्टार्ट करना बहुत आसान होता है, ठीक है। आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे काफ़ी आसान होता है, और ख़त्म करना हो तो और भी आसान होता है, तुरंत क्या चलो यार नहीं मन कर रहा सर, अच्छा नहीं पढ़ा रहे कुछ भी, और ख़त्म कर दिया। लेकिन कंटिन्यू कर रखने में ना, चीज़ों को लगातार मेहनत करता रहना सबसे मुश्किल होता है। लेकिन कुछ ही लोग होते हैं, मैं सच बता रहा हूँ, अगर 100 बच्चे तैयारी स्टार्ट करते हैं ना तो मुश्किल से 20-25 बच्चे ऐसे होते हैं जो लगातार लगे रहते हैं, और जो 20-25 लगे रहते हैं ना सिलेक्शन उन्हीं का होना है फाइनली, ठीक है। ओके दोस्तों चलिए, क्या है इसका आंसर, शिवपुरी, ठीक है, शिवपुरी आंसर आ रहा है दोस्तों इसका, 7th का बी, बहुत बड़े सुनीता शर्मा जी बिल्कुल सही बता रही है। बच्चे महान महान कोई नहीं है यार, महान हर वो बंदा है जो अपने लिए काम कर रहा है ना संसार में, वो हर इंसान महान है, ठीक है। देखो दोस्तों दूसरों के लिए कर रहा है तो और बढ़िया। देखिए दोस्तों शिवपुरी की अगर हम लोग बात करें, शिवपुरी में बेसिकली इन्हें क्या हुई थी, फांसी हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, 1857 क्रांति थी, लेकिन 1859 में उनको फांसी हुई थी, ठीक है। देखिए गौतम जी टॉपिक वाइज बच्चे इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन देखिए मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा यूपी जी के भी थोड़ा बहुत आपको पढ़ा सकूं, ठीक है, टॉपिक वाइज, ठीक है, कोशिश मैं करूंगा, 2-4 टॉपिक्स। देख वैसे देखिए मैडम जो है वो थ्योरी कराएंगी आपको, ठीक है, टॉपिक वाइज एक ही टीचर करा सकता है, या तो वो करा दें या फिर मैं करा दूं, ठीक है। अब अगर वो टॉपिक वाइज करा रही है तो फिर मैं इतना बच्चे वॉइस मैं काफ़ी तेज तेज बोल रहा हूँ यार, इससे ज़्यादा तेज क्या बोलूँ, ठीक है, तो एक ही लोग टॉपिक वाइज करा सकता है। देखिए दोस्तों ठीक है शिवपुरी, और दोस्तों मैं क्या बताना चाह रहा था, हाँ ये तांत्या टोपे जो थे, तांत्या टोपे बेसिकली कहाँ से लड़े थे, तो तांत्या टोपे ने मतलब काफ़ी अच्छे फाइटर थे उस टाइम के, ठीक है, काफ़ी अच्छे फाइटर थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में गुरिल्ला तकनीक को किसने यूज़ किया था, ठीक है, 1857 की क्रांति में गुरिल्ला तकनीक को किसने यूज़ किया था, तांत्या टोपे ने ही गुरिल्ला तकनीक को इस्तेमाल किया था, ठीक है। गोरिल्ला तकनीक का इस्तेमाल किसने किया था 1857 क्रांति में, इन्होंने ही किया था, ठीक है। इन्होंने मतलब कानपुर से एक बार को तो मतलब जो इंडिया मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो इंडिया के जो सैनिक लड़ रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो इंडिया के सैनिक लड़ रहे थे उन्हें एक दो बार इन्होंने पीछे भी पछाड़ दिया था, ठीक है, उन्हें वापस भाग के जाना पड़ा था। फिर वो बात अलग है कि हाँ एट लास्ट वही उनकी फोर्स इतनी थी कि एट लास्ट हार गए हम लोग, लेकिन उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी, ठीक है। अच्छा तांत्या टोपे का नाम क्या था, तांत्या टोपे का नाम दोस्तों क्या था, रामचंद्र पांडुरंगा, ठीक है, इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंगा, याद रखेंगे इनका रियल नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। दोस्तों मैं आपको ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ा चुका हूं दोस्तों कई बार, ठीक है, ओके बिल्कुल करा देंगे। बिल्कुल पढ़ा देंगे बच्चे, संबोधन को सारे पढ़ा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक से आपकी यूपीजी की क्लासेस करा दूं, ठीक है। देखिए दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875, ठीक है दोस्तों, कौन से, बॉम्बे में, अहमदाबाद में, पुणे में या फिर कलकत्ता में, दोस्तों सभी का आंसर आना चाहिए एट का डी, सुनीता शर्मा का सबसे पहले आंसर रही, राहुल शर्मा का सबसे पहले आया कोलकाता, सुनीता शर्मा डी, सभी बहुत बढ़िया, अनु ठाकुर सी बता रही है। दोस्तों कहां पर किया है, किसी का आंसर सही नहीं है, स्वामी दयानंद सरस्वती कहां के थे, बॉम्बे के, इन्होंने कहां किया था, महाराष्ट्र में किया था दोस्तों, ठीक है, कहां किया था दोस्तों, महाराष्ट्र में किया था आर्य समाज की स्थापना, ठीक है, कब की थी, 1875 में की थी दोस्तों, ठीक है। अच्छा दोस्तों एक बात और ध्यान रखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती की किताब है जिसका नाम क्या है, सत्यार्थ प्रकाश। दोस्तों याद रखेंगे यही किताब है जिस पे आपका जो आर्य समाज है ना, ये आपका इसी किताब के बेसिस पे चल रहा है, ठीक है, जैसा जैसा इस किताब में लिखा है उसी चीज को फॉलो करता है आर्य समाज आपका, ठीक है। अच्छा दोस्तों इन्होंने एक स्लोगन दिया था, ठीक है, इन्होंने एक स्लोगन दिया था, क्या बोला था, गो बैक टू वेदास, मतलब कि वेदों की ओर लौटो, ठीक है, वेदों की ओर लौटो, किसने बोला था, आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बोला था, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे चलेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, बताइए,
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बहुत बड़े रोशनी ठाकुर, बहुत बड़े ठाकुर चौधरी, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है दोस्तों। बच्चे डी आंसर आया है, डी आंसर नहीं है बच्चे, ए आंसर था, ठीक है दोस्तों। इसका बताएंगे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद इकबाल और सैयद आमिर अली। दोस्तों जो भी आप आंसर थे बहुत बढ़िया, नाइन्थ का ये बहुत बढ़िया, सभी नाइन्थ का ये बता रहे हैं बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखिए दोस्तों एक बात ध्यान देंगे, सैयद अहमद खान ने की थी, बिल्कुल सही बात है। इसके जब बनाया गया, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को जब बनाया गया तब इसका नाम क्या था? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जब इसे बनाया गया 1875 में। दोस्तों कब बनाया गया था, देखिए इस सन नहीं लिखा हुआ है, बताई दे रहा हूँ, ये बेसिकली 1875 में बनाया गया था। किस नाम से? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। उसके बाद फिर क्या हुआ दोस्तों, इसका नाम बदला गया, कब बदला गया? 1920 में इसका नाम बदला गया, और नाम बदल के क्या रख दिया गया आपका? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, 1920 में नाम बदल के क्या रख दिया गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। बीएचयू दोस्तों आपका 1915 में बना था, ठीक है, बीएचयू 1915 में बना था, मदन मोहन मालवीय जी ने बनाया था, जो कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज था पहले, ठीक है, आपकी एनी बेसेंट ने बनाया था सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ठीक है, उसी को आगे बढ़ा के थोड़ा बड़ा करके बीएचयू बना दिया गया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। देखिए दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? दोस्तों बताइए पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था? मुंबई, लाहौर, कराची या फिर लखनऊ? दोस्तों सही बताएंगे कौन सा अधिवेशन था। बहुत बढ़िया सागर चौधरी जी, रोशनी कुमारी ये बता रही है, प्रदीप यादव डी बता रहे हैं, राहुल शर्मा जी लाहौर बता रहे हैं, बहुत ही बढ़िया राहुल शर्मा, विपिन यादव भी बता रहे हैं, शंकर जी ये बता रहे हैं। दोस्तों देखिए क्या है आपका? लाहौर, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई? दोस्तों याद रखिएगा पूर्ण स्वराज की मांग की गई है, ठीक है, कौन सा अधिवेशन था? 1929 की बात है दोस्तों, लाहौर अधिवेशन की बात है, 1929 में लाहौर अधिवेशन की पूर्ण स्वराज की मांग की गई। कौन था यहाँ पे आपका अध्यक्ष? जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू आपके क्या थे इस समय? अध्यक्ष थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू आपके क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है। दोस्तों आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों बंबई की बात करें, सबसे पहला अधिवेशन हुआ था, व्योमेश चंद्र बैनर्जी अध्यक्ष बने थे। कौन थे अध्यक्ष? व्योमेश चंद्र बैनर्जी। सबसे पहला कहां पर हुआ था? 1885 में, ठीक है, बंबई में डब्ल्यू सी बैनर्जी। कराची में 1931 में हुआ, ठीक है। कौन था आपका? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल लिख लेंगे आप लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? 1916 में हुआ, ठीक है। कौन थे? अंबिका चंद्र मजूमदार, जिसमें क्या हुआ? लखनऊ पैक्ट हुआ, ठीक है दोस्तों, अंबिका चंद्र मजूमदार, ठीक है दोस्तों। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगर सेशन में कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है दोस्तों, तो एक बार शेयर करेंगे सेशन को दोस्तों, सभी मिलके एक बार सेशन को शेयर कीजिए सभी लोग मिलके, ठीक है। 28 दिसंबर 1885 को आपका ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपका कब बना था? 28 दिसंबर 1885 को बना था। किसने बनाया था? मतलब ए ओ ह्यूम ने बनाया था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, ए ओ ह्यूम ने बनाया था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और उस समय आपका वायसराय कौन था? दोस्तों डफरेन आपका वायसराय था, ठीक है दोस्तों। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया बताइए दोस्तों? एक तो सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया, ठीक है, पद से, और उस समय बताइए किसको मतलब ये पद का प्रस्ताव दिया गया पद पे आने का? जवाहरलाल नेहरू को, पट्टाभि सीतारमैया को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को या फिर जेबी कृपलानी को? किसको बताइए दोस्तों पूछा गया कि आप अध्यक्ष बन जाइए उनके इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस के? महेंद्र यादव जी मैं यूपी से हूँ, राहुल शर्मा जी 11th का बी बता रहे हैं, सागर चौधरी ए बता रहे हैं, आरती कमल बी बता रही हैं, विपिन यादव बी बता रहे हैं, और दोस्तों अभी तक किसी का भी आंसर सही नहीं आया है, बस दुख इस बात का है, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ जब क्या हुआ, जिस समय सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया कब, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये, सुभाष चंद्र बोस दो बार बने, ठीक है, अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस के, 1938 की बात है और 1939 की बात है। दोस्तों याद रखेंगे, दोस्तों इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, याद रखेंगे 1938 और 1939 की दो साल की बात है। 1938 में कहाँ? हरिपुरा, हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था 1938 में, ठीक है, और 1939 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? त्रिपुरा, ठीक है, इन दो जगह पर अधिवेशन हुआ, यहाँ पर भी ये अध्यक्ष थे, ठीक है। 1939 में इन्होंने फिर से चुनाव लड़ा,
1939 में उन्होंने फिर से चुनाव लड़ा। हालांकि महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस बने अध्यक्ष, ठीक है, तो महात्मा गांधी ने इनके विरुद्ध एक कैंडिडेट को उतारा जिनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। तो 1939 में त्रिपुरा में जब इलेक्शन हुआ अध्यक्ष पद के लिए, तो सुभाष चंद्र बोस एक तरफ से, दूसरी तरफ से पट्टाभी सीतारमैया, जिनको महात्मा गांधी का सपोर्ट था, लेकिन फिर भी जीता कौन? सुभाष चंद्र बोस जीत गए इलेक्शन को, ठीक है। इस बात को गांधी जी को बहुत बुरा लगा। गांधी जी को लगा कि अब मेरी कोई चलती नहीं रही, मतलब कोई मेरी सुनना नहीं चाहता, अगर मेरे व्यूज कोई मानता ही नहीं है तो फिर मेरा फायदा क्या रहने का। गांधी जी काफी नाराज हुए कुल मिला के। तो ये बात देखते हुए सुभाष चंद्र बोस को इतना मतलब लालच नहीं था कोई पद का, तो उन्होंने गांधी जी के सम्मान में पद को त्याग दिया, ठीक है। उन्होंने अपनी प्रेसिडेंटशिप छोड़ दी, और जब उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा, ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया राहुल शर्मा जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। उन्होंने जब अध्यक्ष पद अपना छोड़ा तो दोस्तों फिर अध्यक्ष पद किनको दिया गया, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया। तो भाई सम्मान की बात है कि हार रहे हैं तो क्या बनेंगे दोबारा, ठीक है। तो खुद कौन बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोला गया था कि आप अध्यक्ष बन जाइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोला गया था कि आप अध्यक्ष बन जाइए, ठीक है। 1839 में त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था जिसमें उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था अध्यक्ष पद, ठीक है। ओके लव इज फ्रॉड बच्चे, मुझे लग रहा है एक्चुअली ना सेशन भी तो लेट हो जाएगा अगर मैं बहुत ज्यादा आराम आराम से बोलूंगा धीरे धीरे, तो सेशन थोड़ा लेट हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, अच्छा जवाहरलाल नेहरू की आपको पता ही है, जेबी कृपलानी का एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जेबी कृपलानी के बारे में एक बात याद रखिएगा। जिस समय भारत आजाद हुआ था 1947 की बात है, 15 अगस्त 1947 को, उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी भारत की आजादी के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों कि भारत की आजादी के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो वो जेबी कृपलानी थे। सभी लोग लिख लेंगे अपने अपनी कॉपी में, ठीक है। गुड इवनिंग सृष्टि सिंह जी, गुड इवनिंग, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे, बताएंगे सभी लोग। 1946 की जो अंतरिम सरकार की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें उपाध्यक्ष कौन थे? देखिए दोस्तों, उपाध्यक्ष कौन थे? देखिए सर क्लाउड ओचनेल जो भी हैं, ओची नलेक, ठीक है, सी एच भाभा, सी राजगोपालाचारी, या फिर जवाहरलाल नेहरू जी, बताइए दोस्तों कौन थे आपके 1946 की जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें उपाध्यक्ष कौन थे? दोस्तों अध्यक्ष कौन था मैं आपको बता देता हूं। अध्यक्ष उस समय जो भी वायसराय होता था ना, जो भी वायसराय था उस समय का, ठीक है, वो अध्यक्ष था। वो वायसराय था कौन 1946 में? तो वेवल, ठीक है, बात करेंगे वेवल की। वेवल कौन था इस समय? अध्यक्ष था, ठीक है, जो वायसराय था वही अध्यक्ष था, तो वेवल इस समय क्या था? अध्यक्ष था इसका, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन था? उपाध्यक्ष बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के बराबर माना गया था इसमें, ठीक है, कि प्राइम मिनिस्टर की उपाधि के बराबर है, और उपाध्यक्ष बच्चे बने थे, बहुत बढ़िया दोस्तों। डी आंसर दे रहे हैं कुछ लोग, ए भी दे रहे हैं कुछ लोग, सी भी दे रहे हैं, ठीक है, आंसर आपका क्या है? डी। उपाध्यक्ष बने थे कौन? जवाहरलाल नेहरू जी। उपाध्यक्ष कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। और दोस्तों दो चार बातें जान लेंगे इसी में, ठीक है, जो ये कार्यकारी परिषद जो बनी थी इसी में आपके डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? रक्षा मंत्री आपके बने थे बलदेव सिंह जी, ठीक है। रक्षा मंत्री कौन बने थे दोस्तों? बलदेव सिंह जी बने थे। अगर बात करें गृह मंत्री कौन बने थे, तो गृह मंत्री आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बने थे, ठीक है। गृह मंत्री कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बने थे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलेंगे। देखिए हाँ, श्रम मंत्री कौन बने थे? जगजीवन राम बने थे, ठीक है। ये कई सारे हैं, आपको पता होनी चाहिए दोस्तों अगर सेशन में चीजें सीखने को मिल रही है तो एक बार शेयर कीजिएगा सेशन को दोस्तों हमारे सारे साथियों के साथ, ताकि हमारे सारे साथी हमारे साथ जुड़ सके फिर से, ठीक है। एक बार सेशन को दोस्तों शेयर करेंगे सभी लोग, ताकि हमारे सारे साथी हमारे साथ जुड़ सके, ठीक है। बहुत बढ़िया राहुल शर्मा जौनपुर जी, बहुत बढ़िया, ठीक है दोस्तों। 13th का बहुत बढ़िया, भारत का संविधान लिखा गया था कितने टाइम में, बताइए भारत का संविधान लिखा गया है? 2 से 3 साल के बीच में, 3 वर्षों में, 3 वर्षों से अधिक समय में, या 2 वर्षों में, बताइए दोस्तों कितने समय में भारत का संविधान लिखा गया था? बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। रोशनी कुमारी जी आपका गलत आ रहा है। देखो बच्चे, भारत का संविधान एग्जैक्ट कितने दिनों में लिखा गया था? 2 साल, मतलब 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। दोस्तों याद रखेंगे 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन में आपका भारत का संविधान लिखा गया था, ठीक है। अब इसमें क्या दिया गया, देखिएगा, भारत का संविधान लिखा गया था कितने टाइम में? देखिए 2 वर्षों से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, बिल्कुल सही बात है। 2 वर्षों से तो ज्यादा टाइम लगा, 2 वर्ष से ज्यादा टाइम लगा, लेकिन 3 वर्ष से कम टाइम लगा है, ठीक है दोस्तों। तो आपका पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे चलेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियां
कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक है? बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सवाल आपके सामने आ रहे हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश का बताएंगे कि कौन सा इनमें से बेसिकली गाथा गीत है उत्तर प्रदेश की कहानियों की, ठीक है? हुमर, कालबेलिया, स्वांग या फिर पुलिकली। बताइए दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियां एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक कौन सा है दोस्तों, सभी बताएंगे। 14th का ए बता रहे हैं विकास कुमार जी, बहुत बड़े राहुल शर्मा जौनपुर बी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं लोग। दोस्तों देखिए, सिंपल सी बात समझिए, आपको डांसेस याद होने चाहिए कि कौन सा डांस कहाँ का है, किस देश किस प्रदेश का कौन सा डांस है दोस्तों आपको पता होना चाहिए। स्वांग आपका उत्तर प्रदेश का डांस है, बाकी ये घूमर आपका राजस्थान का डांस है, घूमर आपका राजस्थान का डांस है, कालबेलिया भी आपका कहाँ का राजस्थान का डांस है। तो दोस्तों ये तो है ही नहीं उत्तर प्रदेश के डांस, स्वांग आपका उत्तर प्रदेश का डांस है क्योंकि आपका ये देखिए ऐतिहासिक कहानियों के बारे में गाथा गीत है, ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के और कौन कौन से डांस है तो दोस्तों याद रखेंगे, कजरी है, रासलीला है, नौटंकी है, ठीक है, ये कुछ कलबेलिया है, कलबेलिया नहीं सॉरी, ठीक है। तो ये कुछ तीन चार डांसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट डांसेस हैं उत्तर प्रदेश के दोस्तों, याद होनी चाहिए, ठीक है। कथक है, याद रखेंगे दोस्तों इन सारे डांसेस को, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? लखनऊ घराना जो आपका है उसका दूसरा नाम बताइए दोस्तों क्या होगा, उत्तर घराना, नृत्य घराना, योग्य घराना या फिर पूरब घराना? लखनऊ घराना का दूसरा नाम दोस्तों क्या है, सभी बताएंगे दोस्तों, सभी बताएंगे। हाँ दोस्तों, चारकोला भी आपका उत्तर प्रदेश का नृत्य है, बहुत बिल्कुल सही बात बता रहे हैं आप, ठीक है। बताइए दोस्तों, लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि कथक आपका उत्तर प्रदेश का डांस है, या फिर बोल लीजिए नॉर्थ इंडिया का, उत्तर भारत का डांस है आपका कथक, और कथक के तीन घराने हैं आपका, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और तीसरा आपका बनारस घराना, ठीक है। तो लखनऊ घराना का पूछा है दोस्तों, लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है, बहुत बढ़िया दोस्तों, बी आंसर आ रहा है लोगों का, 15th का ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है दोस्तों, आंसर आपका होगा डी, ठीक है। लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है, पूरब घराना। लखनऊ घराना को हम लोग पूरब घराना भी बोलते हैं दोस्तों, और एक बात याद रखेंगे, इस घराने से जो मेन मतलब हैं, जो मतलब यहाँ के मतलब ये संगीतकार कौन कौन से हैं दोस्तों, देखिएगा, नृत्यकार जो है मेन आपके लच्छू महाराज, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ फिर भी बता दे रहा हूँ, लच्छू महाराज और अच्छन महाराज, ठीक है, और आपके शंभू महाराज, ये मेन इसके जो है नृत्यकार हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे, लिख लीजिएगा, कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, ठीक है, कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, यहाँ है क्या है यहाँ पर बताइए दोस्तों, कुशीनगर में क्या है, हिरण का उद्यान है, मूलगंध कुटी विहार है, तिब्बती मंदिर है या फिर रामभर स्तूप है? बताएंगे दोस्तों कुशीनगर में क्या चीज है, चारों में से, इन चारों में से कुशीनगर में क्या चीज है दोस्तों, 16th का आंसर सब लोग देंगे, बहुत बढ़िया, महेंद्र यादव जी डी आपका बिल्कुल सही है, 15th का सागर चौधरी बिल्कुल सही है डी आपका, लेकिन दोस्तों इसका आंसर बताएंगे, दोस्तों इसका आंसर बताएंगे सभी लोग, 16th, बहुत बढ़िया, सागर चौधरी डी बता रहे हैं, सुनीता शर्मा जी सी बता रही हैं, अनिल पाल डी बता रहे हैं, आरती कमल डी बता रही हैं। देखिए दोस्तों इसका आंसर दोस्तों क्या है, रामभर स्तूप, ठीक है। देखिए दोस्तों, कुशीनगर जो बौद्ध धर्म से अगर हम लोग बात करें ना, तो बौद्ध धर्म के 8 स्तूप है, बौद्ध धर्म के टोटल कितने स्तूप है दोस्तों, 8 स्तूप है, 8 में से एक स्तूप जो रामभर स्तूप है ना, वो कहां पर है आपका, कुशीनगर में। दोस्तों कुशीनगर वही जगह है, कुशीनगर वो जगह है जहां पर इन्होंने बेसिकली मतलब ये लास्ट में अपनी समाधि ली थी, ठीक है, गौतम बुद्ध जी ने जहां पर अपनी समाधि ली थी वही जगह आपकी क्या, कुशीनगर, ठीक है। बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, उस क्रिया को महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है दोस्तों, महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं उस क्रिया को जिसे मतलब समाधि लेने को। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध जी ने क्या ली थी, समाधि ली थी, और ये रामभर स्तूप यहीं पर है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? बताएंगे दोस्तों, जो काशी है वो किस नदी के तट पर स्थित है, सभी लोग बताएंगे एक बार, बहुत बढ़िया सृष्टि सिंह जी, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार शेयर कीजिए वीडियो को, अगर आपको चीजें सीखने को मिल रही है, कुछ भी नया पता चल रहा है, तो एक बार वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारे सारे साथी हमारे साथ जुड़ सके दोस्तों, एक बार शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है, बहुत कम गिनती हो रही है आपके। महेंद्र यादव जी गुड इवनिंग, किससे बात कर रहे हैं भाई, 17th का डी बता रहे हैं दोस्त, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। काशी विश्वनाथ सब जानते हैं, महादेव की नगरी, ठीक है, कहां पर आपके, गंगा नदी के किनारे है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है?
बांके बिहारी मंदिर, ठीक है, अपने कृष्ण भगवान का मंदिर, राधे रानी का मंदिर, बताइए दोस्तों किस जगह पर स्थित है, सारनाथ में, वाराणसी में, वृंदावन में या फिर आगरा में। दोस्तों बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सही बताएंगे। 18th का आंसर, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, वृंदावन में, ठीक है, जल्दी जल्दी चलते चलेंगे, आसान आसान क्वेश्चन तो जल्दी करेंगे, ठीक है। बांके बिहारी जगह मंदिर कहाँ है दोस्तों, वृंदावन में। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है, जौनपुर में, ठीक है, जौनपुर के, जौनपुर में बेसिकली किसने, किसके द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद, ठीक है, जौनपुर में एक अटाला मस्जिद है दोस्तों, बताइए किसके द्वारा बनवाई गई थी अटाला मस्जिद, किसके द्वारा बनवाई गई थी, अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए मिसाल मॉडल बन गई है, ठीक है, जो अन्य मस्जिदें जो उसके बाद बनी उनके लिए क्या बनी है, मॉडल बनी है। और ये बताइए दोस्तों, सही बताएंगे कि जौनपुर में ये जो मस्जिद है किसने बनवाई थी दोस्तों, मुबारक शाह ने, इब्राहिम सरकी ने, आपके मलिक सरवर ने या फिर हुसैन शाह ने, दोस्तों ये मस्जिद किसने, बहुत बढ़िया, 19th का बी बता रहे हैं, निशु चौधरी साहब ए बता रहे हैं दोस्तों, आधे लोग ए बता रहे हैं और मैक्सिमम लोग ऐसे बी बता रहे हैं, चलिए आप, ठीक है, आंसर आपका इब्राहिम सरकी बी होगा, ठीक है। जौनपुर में जो अटाला मस्जिद है दोस्तों किसने बनवाई थी, इब्राहिम सरकी ने ये मस्जिद बनवाई थी। दोस्तों शेयर कीजिएगा एक बार वीडियो को, अगर आपको क्वेश्चन नए लग रहे हैं, कुछ सीखने को मिल रहा है तो दोस्तों एक बार सेशन को शेयर करेंगे सभी लोग, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कीजिए वीडियो को, ठीक है दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे दोस्तों, देखिए उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, कौन सी जनजाति है दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। दोस्तों चार जनजाति आपके सामने है, सहरिया, थारू, भोटिया या फिर पहरिया, बताएंगे दोस्तों कौन सी जनजाति है जो कि दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, सही बताएंगे दोस्तों। 20th का आंसर बताएंगे, बहुत बढ़िया, 20th का बी बता रहे हैं सागर चौधरी, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसमें भी एक दो लोगों का गलत है लेकिन मैक्सिमम लोगों का सही है, 95% लोगों का सही है, बिल्कुल थारू जनजाति ऐसी है आपकी जो कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है, थारू जनजाति है जो कि दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। बेसिकली ये जनजाति पाई कहाँ पर जाती है, तो ये आपके नेपाल वाले एरिया में, नेपाल के दक्षिणी एरिया में, ठीक है, और उत्तराखंड के एरिया में, उत्तराखंड के एरिया में और नेपाल के दक्षिणी एरिया में ये जनजाति आपकी पाई जाती है, ठीक है, थारू जनजाति। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे चलेंगे, उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया था, कौन से जिले में दोस्तों, आगरा में, मथुरा में, अलीगढ़ में, सहारनपुर में, ये चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, बताइए सबसे पहले सोलर पावर प्लांट कहां लगाया गया था, सोलर ऊर्जा संयंत्र सबसे पहले कहां लगाया गया था दोस्तों। जय हिंद निशा जी, सभी बताएंगे दोस्त कि सबसे पहले बताइए ऊर्जा संयंत्र आपका कहां पर लगाया गया था। और दोस्तों अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस अगर आपको और चाहिए, ठीक है, तो सुबह भी मेरी क्लास होती है 10 बजे, आप लोग सुबह 10 बजे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सुबह 10 बजे मेरी क्लास होती है दोस्तों, सुबह 10 बजे आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, 40-50 मिनट में मैं आपको 25 क्वेश्चन ऐसे ही कराऊंगा, ताकि 2-4 इन्फॉर्मेशन भी एक्स्ट्रा देता रहूँ, ठीक है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों आपको, सुबह 10 बजे भी ज्वाइन कीजिएगा, बहुत बढ़िया। किसका डी, बहुत बढ़िया, कुछ लोग बी बता रहे हैं दोस्तों, ये है अलीगढ़, ठीक है, अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, सभी को पता है अलीगढ़ आपका तालों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तालों के लिए अलीगढ़ आपका प्रसिद्ध है। और दोस्तों अलीगढ़ में क्या है आपका, ये सर्वप्रथम सोलर पावर प्लांट बनाया गया था, ठीक है, सोलर ऊर्जा संयंत्र सबसे पहले बनाया गया था। चलिए दोस्तों मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, सभी बताएंगे, धातु की कलाकृतियों के लिए, कपड़ा कार्य के लिए, सोना के लिए या फिर चर्म उत्पाद के लिए, मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, धातु की कलाकृतियों के लिए, कपड़ा कार्य, सोना या फिर चर्म उत्पाद, दोस्तों सभी बताएंगे जल्दी से। ओके सृष्टि सिंह जी, बहुत बढ़िया, 22nd का लोग ए बता रहे हैं, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, ठीक है, मतलब ये वाला टॉपिक आपका क्लियर है, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है, कि मतलब मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, धातु की कलाकृतियों के लिए मुरादाबाद आपका प्रसिद्ध है बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे चलेंगे, देखिए उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है, बताइए दोस्तों सहारनपुर शहर आपका किसके लिए मतलब प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, चूड़ियां बनाने के लिए, इत्र और सुगंध के लिए, लकड़ी पर नक्काशी के लिए या फिर कालीन बनाने के लिए, दोस्तों सभी बताएंगे किसके लिए प्रसिद्ध है, चलो बताइए दोस्तों। देखो दोस्तों चूड़ियां बनाने के लिए कौन है आपका, फिरोजाबाद, चूड़ियां बनाने के लिए दोस्तों कौन सा है आपका, फिरोजाबाद है, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों इत्र और सुगंध के लिए आपका कौन सा है, कन्नौज, ठीक है दोस्तों, इत्र और सुगंध के लिए कौन सा है, कन्नौज। कालीन बनाने के लिए दोस्तों कौन सा है आपका, भदोही। और आपका ये मिर्जापुर, ठीक है, कालीन बनाने के लिए, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, लेकिन नहीं,
कन्नौज नहीं है बच्चे, आंसर सी आंसर दे रहे हैं जो बच्चे बिल्कुल सही है उनका। लकड़ी पर नक्काशी के लिए आपका कौन सा प्रसिद्ध है? लकड़ी पर नक्काशी के लिए आपका विश्व प्रसिद्ध है सहारनपुर। ठीक है दोस्तों, सहारनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? लकड़ी पर नक्काशी के लिए। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? सभी बताएंगे कुंडनकुलम जो ऊर्जा संयंत्र है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में, कौन से राज्य में है? सभी बताएंगे दोस्तों कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर केरल? बताइए दोस्तों कौन से राज्य में है दोस्तों। तब तक मैं बताता हूँ, देखिए टोटल, टोटल अगर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात की जाए दोस्तों तो 7 आपके परमाणु ऊर्जा संयंत्र है टोटल। ठीक है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र टोटल कितने हैं दोस्तों? 7 है। ठीक है, भारत में आपका बताइए कुंडनकुलम कहाँ पे? कुंडनकुलम के बारे में एक बात बता दूं आपको, कुंडनकुलम जो है आपका ये सबसे नया, ठीक है, सबसे नया और सबसे बड़ा, भारत का सबसे नया कुंडनकुलम है और सबसे बड़ा भी आपको कुंडनकुलम है दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों, 24 का सी बता रहे हैं कुछ लोग, डी बता रहे हैं, कपिल दास सी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत ही बढ़िया, तमिलनाडु में। ठीक है, कुंडनकुलम दोस्तों आपका कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में एक और दोस्तों कल्पक्कम भी आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, कल्पक्कम जो परमाणु जो संयंत्र वो भी आपका कहाँ? तमिलनाडु में। कर्नाटक में दोस्तों कौन सा है? कहेगा कर्नाटक में कौन सा दोस्तों? कहेगा दोस्तों इंपॉर्टेंट एक और है आपका यूपी का, याद रखिएगा यूपी में कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? नरोरा। ठीक है, यूपी में दोस्तों कौन सा है? नरोरा। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका कहां पर है? यूपी में, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? प्रमुख चाय उत्पादक राज्य बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र? सभी दोस्त एक बार सेशन को शेयर करेंगे अगर चीजें सीखने को मिल रही है, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कुछ भी आपको सीखने को मिल रहा है तो एक बार सेशन को शेयर कीजिए मेरे कहने पर। ठीक है दोस्तों, एक बार सेशन को शेयर कीजिए, सभी सभी साथी हमारे सेशन को शेयर करेंगे तो हमारे सभी लोग जुड़ पाएंगे हमारे साथ, बहुत ही बढ़िया। 25 का बी बता रहे हैं लोग, ए भी बता रहे हैं, बुलंदशहर भी बता रहे हैं बच्चे, बुलंदशहर तो यहाँ यही नहीं। चलो देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में प्रमुख चाय उत्पादक है दोस्तों? तो ये आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पहले देखिए बात करें अगर सबसे ज्यादा चाय उत्पादन कहाँ पर होता है भारत में, सबसे ज्यादा चाय उत्पादन आपका पश्चिम बंगाल में होता है। पहले आसाम में होता था लेकिन 2022 से ही आपका पश्चिम बंगाल ने ओवरटेक कर लिया आसाम को। अब सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है चाय का? तो पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा अगर कहवा की बात करें, कहवा ठीक है, कहवा से क्या बनता है दोस्तों? कहवा से आपकी कॉफी बनती है। ठीक है, अगर कहवा से कॉफी बनती है तो कहवा का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? कर्नाटक में। कहवा का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है दोस्तों? कर्नाटक में होता है। ठीक है, और इससे क्या बनती है? कॉफी बनती है। अच्छा दोस्तों बात करें केरल में क्या क्या ज्यादा होता है, केरल में आपके स्पाइसेस मतलब मसाले सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? केरल में होते हैं। छोटी इलायची कहाँ होती है सबसे ज्यादा? केरल में होती है। ठीक है, आपके नारियल की बात की जाए, नारियल सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? तो वो भी केरल में होते हैं। रबड़ सबसे ज्यादा कहाँ होती है? वो भी केरल में होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोल रहे हैं अनुराग जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बुलंदशहर में है आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है दोस्तों? सही बताएंगे कोडलिंग, गोसलिंग, फिंगरलिंग या फिर हैचलिंग। दोस्तों मगरमच्छ के बच्चे को क्या बोलते हैं? चारों में से जल्दी बताएंगे, कोडलिंग, गोसलिंग, फिंगरलिंग या फिर हैचलिंग। मगरमच्छ के बच्चे को क्या बोला जाता है? बहुत ही बढ़िया दोस्तों, देखिए दोस्तों जल्दी से बताएंगे, हैचलिंग। ठीक है, याद रखेंगे मगरमच्छ के बच्चों को क्या बोलते हैं दोस्तों? हैचलिंग बोलेंगे, हैचलिंग बोलते हैं। और दोस्तों याद रखेंगे मगरमच्छ क्या होता है? मगरमच्छ ऐसा जीव होता है जो कि आपका बेसिकली क्या है? उभयचर है। ठीक है, तो जमीन पर भी रह लेता है, पानी में भी रह लेता है। ठीक है, उभयचर है। उभयचर कितने होते हैं? तीन आपके इसमें क्या होते हैं? तीन चैम्बर होते हैं हृदय में। ठीक है, हृदय के अंदर क्या होते हैं? तीन हिस्से होते हैं हृदय के अंदर, किसमें? उभयचर में। तो मगरमच्छ के तीन हिस्से होते हैं आपके हृदय में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। 27वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शब्दों के चार जोड़े नीचे दिए गए हैं, इनमें से अलग जोड़े को ज्ञात कीजिए। ठीक है, जलीय जीव मतलब जलीय क्या समुद्र में रहते हैं? उभयचर वायवीय होते हैं, वायवीय आकाश में होते हैं या फिर स्थलीय भूमि में होते हैं? इनमें से कौन सा अलग है चारों में से? सभी लोग बताएंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, इन चारों में से अलग कौन सा है वो सभी लोग एक बार बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जलीय समुद्र में रहते हैं, ठीक है, समुद्री होते हैं, उभयचर वायवीय होते हैं, वायवीय आकाश में उड़ते हैं या फिर स्थलीय आपके भूमि में होते हैं? बहुत बढ़िया, 27 का बी बता रहे हैं लोग, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही। ठीक है, उभयचर आपके दोस्तों कौन से होते हैं? जो आपके पानी में रहते हैं या फिर आपके बाहर या फिर आपके स्थल पर रहते हैं, ठीक है, जमीन पर रहते हैं, ये आपके हवा में नहीं रहते। ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, एक तो रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन हो गया ये तो। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है बताइए?
इन चारों में से कौन सा अलग है ये आपको बताना है, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश या भूटान। श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान, इन चारों में से कौन सा अलग है ये दोस्तों आपको बताना है। इन चारों में से कौन सा अलग है, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश या फिर भूटान। सभी लोग एक बार आंसर करेंगे दोस्तों 28th का, और जल्दी जल्दी आगे बढ़ते चलेंगे। 28th बहुत बड़े, निशा शाह ये बता रही हैं, तुलिका सिंह ये बता रही हैं, बहुत ही बढ़िया, कुछ लोग बी भी बता रहे हैं। दोस्तों सबसे अलग बहुत बढ़िया जिन जिनका ए है बिल्कुल सही है, श्रीलंका आपका अलग है। श्रीलंका अलग क्यों है, क्योंकि देखिए म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान तीनों की सीमा भारत से लगती है, लेकिन क्या श्रीलंका की सीमा भारत से लगती है, नहीं लगती है, तो श्रीलंका क्या हो गया आपका, अलग हो गया। या फिर बोल सकते हैं ये तीनों मतलब स्थल हैं, मतलब जमीन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और आपका श्रीलंका क्या है, एक द्वीप है, अलग है, ठीक है, द्वीप है वो, तो इसलिए वो अलग हो जाएगा इन 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 बाकी तीनों से, ठीक है। कोई भी आप ले लीजिए रीजन, कुछ ना कुछ रीजन हो जाएगा। अच्छा भूटान के बारे में देखिए, इनकी राजधानी सबकी पता है ना, श्रीलंका की क्या है, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, ठीक है। म्यांमार की दोस्तों क्या है, नेपेडो, ठीक है। बांग्लादेश की क्या है, ढाका, और भूटान की क्या है, थिम्पू, ठीक है। ये इनकी राजधानियां हो गई। भूटान आपका लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलिए 2018 का फीफा विश्व कप की मेजबानी बताइए किसके द्वारा की गई थी, ये बताना है। 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था, बताइए दोस्तों किसके द्वारा हुआ था। 2022 का मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ होगा, 2022 का दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप आपका होगा कहाँ, कतर में, ठीक है। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप दोस्तों आपका कहाँ होना है, कतर में होना है। और दोस्तों जो 2018 वाला जो हमारा हुआ है वो दोस्तों कहाँ हुआ था, 29 का, बहुत बढ़िया दोस्तों। डी बता रहे हैं आंसर बच्चे, डी नहीं होगा आंसर, सी भी रूस बता रहे हैं निशा शाकी जी, बहुत बढ़िया बच्चे। ब्राजील नहीं था, अब आप लोग भूल गए क्या बच्चे, रूस में हुआ था, रशिया में हुआ था। जीता कौन था दोस्तों, फ्रांस जीता था दोस्तों। किसे हराया था फ्रांस ने, क्रोशिया को हराया था, ठीक है, क्रोशिया देश था जिसको हराया था फ्रांस ने, ठीक है, 4-2 से जीता था फाइनल में। देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है, बताइए चार में से कौन सा एक अलग है वो बताना है आपको। मालवियर, फिशिंग, रेंसवियर या फिर स्पैम, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, मालवियर, फिशिंग, रेंसवियर या फिर स्पैम, कौन सा अलग है दोस्तों वो आपको बताना है। देखिए दोस्तों मैं जल्दी से बताता हूं, बहुत बढ़िया तुलिका सिंह जी, बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों अलग कौन सा दोस्तों, देखिए ये तीनों क्या है आपके, ये तीनों आपके वायरस है, कंप्यूटर की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है एक। मालवियर, फिशिंग और रेंसवियर, याद कर लेंगे तीनों को, यही तीन अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। एक और होता है हॉर्स करके, ठीक है, बाकी ये तीन है, मालवियर, फिशिंग और रेंसवेयर, ये तीनों आपके वायरस है, ठीक है। आपका बेसिकली स्पैम क्या होता है, स्पैम आपका अलग है। स्पैम बेसिकली क्या होता है, जो आपके मतलब मतलब मेल आ जाते हैं ना, कोई भी अननोन लोगों के जो मेल वेल आ जाते हैं आपके मतलब आईडी पे, वो बेसिकली होता है स्पैम, ठीक है। तो स्पैम बेसिकली वायरस नहीं है, स्पैम अलग है, ठीक है इन सबसे, ओके। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, बताइए प्रथम गृह मंत्री के रूप में किसने कार्य किया था, के कामराज, राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर मुरारजी देसाई। दोस्तों सभी बताएंगे जल्दी से आंसर कि किसने, बहुत बढ़िया अच्छा बता दिया मैंने स्पैम आपको, ठीक है, जो अलग से जो मेल्स वगैरह आ जाते हैं वो आपके स्पैम होते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। 31 का सी आंसर हो जाएगा बच्चे, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। मुरारजी देसाई कौन थे आप सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं किसके, जनता पार्टी से प्रधानमंत्री रहे हैं 1978 में, ठीक है, कौन, मुरारजी देसाई जी। के कामराज आपके कौन रहे हैं, के कामराज आपके चीफ मिनिस्टर रहे हैं तमिलनाडु के, ठीक है, एक बार। और सी राजगोपालाचारी को सब जानते हैं, ये आपके सबसे पहले गवर्नर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक का नियामक प्राधिकरण है, बेसिकली क्या काम है भारतीय रिजर्व बैंक का, ये आपको बताना है दोस्तों। एक बार सेशन को शेयर करेंगे, एक बार दोस्तों एक आखिरी बार सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि हमारे सारे साथी हमारे साथ जुड़ सकें दोस्तों, एक आखिरी बार सेशन को शेयर करेंगे सभी। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक करेंगे वीडियो को, एक बार चीजें सीखने को मिल रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, ठीक है। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की बात करें तो ये क्या मतलब बेसिकली काम करता है, बैंकों के लिए काम करता है, बैंकों एवं म्यूचुअल फंड का काम करता है, बैंक म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार का काम करता है, बैंक म्यूचुअल फंड शेयर बाजार और रेटिंग एजेंसी का काम करता है दोस्तों। रिजर्व बैंक का आरबीआई का क्या काम है दोस्तों, कुछ नहीं, बहुत बढ़िया ए आंसर जिनका दे रहा है बिल्कुल सही। ये क्या होता है, ये बैंकों की बैंक है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपकी क्या है, बैंकों की बैंक है। आपके आरबीआई एक्ट 1934 के तहत बना था, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आपका आरबीआई बना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना है 1935 में, 1 अप्रैल 1935 को बना था। काम क्या है, ये बैंकों का बैंक है, ये केवल रेगुलेट करता है बैंकों को कि बैंकें सही से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, और मौद्रिक नीति आपकी बनाता है, ठीक है, आरबीआई। और क्या करता है, मौद्रिक नीति बनाता है, याद रखिएगा मौद्रिक नीति बनाने का काम किसका है, मौद्रिक नीति बनाने का काम भी आरबीआई का है, ठीक है,
मौद्रिक नीति बनाने का काम आरबीआई का है और बैंकों को रेगुलेट करने का काम आरबीआई का, दो काम इसके बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। पैसे पैसे छपाने का काम भी इन्हीं का है, ठीक है, पैसे छपाने का काम आरबीआई का है। देखिए कौन से क्रिकेटर ने विश्व कप T20 क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे, बताइए दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, तो आपको सभी को आता होगा लगभग, आई थिंक हर बच्चे को आता होगा ये वाला क्वेश्चन कि 6 छक्के किस खिलाड़ी ने लगाए थे, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, हर्षल गिब्स या फिर एबी डिविलियर्स। दोस्तों आंसर है आपका युवराज सिंह, बताने की क्या जरूरत, बहुत ही बढ़िया, सभी सही बता रहे हैं, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, ठीक है। युवराज सिंह ने लगाए थे, किसके खिलाफ लगाए थे, स्टुअर्ट ब्रॉड बॉलर था इंग्लैंड का, इंग्लैंड के खिलाफ लगाए थे दोस्तों, ठीक है। चलिए हर्षल गिब्स ने भी छक्के लगाए हैं लेकिन वो आपके T20 में नहीं लगाए हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए वेब पेज की बात करें तो वेब पेज का उपयोग करके बनाया, बेसिकली वेब पेज जो आपको बनाया जाता है वो क्या उपयोग करके बनाया जाता है, सभी लोग बताएंगे वेब पेज क्या उपयोग करके बनाया जाता है दोस्तों, सभी का आंसर आना चाहिए। वेब पेज क्या उपयोग करके बनाया जाता है, HTTP, URL, HTML या फिर FTP, क्या उपयोग करके आपका वेब पेज बनाया जाता है दोस्तों। बहुत बढ़िया महेंद्र यादव जी, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। एक बार लाइक कीजिएगा सेशन को, ठीक है। शेयर का तो मैंने आखिरी बार बोल दिया था तो मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आप परेशान नहीं करूंगा, ठीक है। देखिए दोस्तों वेब पेज का उपयोग करके क्या, बेसिकली वेब पेज कैसे बनाया जाता है, HTML का यूज करके, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मैंने आपको बताया था ये किस किस ने बनाया। देखिए आप बात करें HTTP की या फिर HTML की, ठीक है, या फिर आप बात करें WWW की, मैंने आपको बताया था ये तीनों किसने बनाए हैं, टिम बर्नर्स ली, ठीक है, टिम बर्नर्स ली ना तीनों लोगों, तीनों चीजें बनाई हैं आपके, WWW, HTML, HTTP तीनों ही, ठीक है। रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान 1 की बात हो रही है, चंद्रयान 1 को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था दोस्तों, बताएंगे चंद्रयान 1 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था, 2007, 8, 2009 या फिर 2010 दोस्तों। मैं बता चुका हूं आपको कई बार इसका आंसर, फिर भी एक बार बताऊंगा, देखिए तो बिल्कुल आएंगे निशु जी, बिल्कुल आएंगे, कभी ना कभी बिल्कुल आएंगे, मैं भी आना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ एक बार बाघ वगैरह, मैं कभी गया नहीं हूँ वैसे, ठीक है। देखिए दोस्तों कब हुआ था, 2008 में, ठीक है, कब, 22 अक्टूबर, सभी दोस्त याद रखेंगे 22 अक्टूबर 2008 को आपका चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था। किसके, किसने लॉन्च किया था, कौन सी, मतलब किससे लॉन्च किया गया था, तो ये हुआ था दोस्तों PSLV C11, ठीक है दोस्तों, PSLV C11 के द्वारा ये लॉन्च किया गया था आपका, क्या, 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1, ठीक है दोस्तों। चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था, 2019 में लॉन्च हुआ था और 22 जुलाई 2019 को, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे चलेंगे, और वो किसके द्वारा लॉन्च हुआ था, GSLV MK3 के द्वारा, GSLV MK3। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है, देखिए गति है, समय है, द्रव्यमान है और त्वरण है, ठीक है, चार चीजें हैं, गति हो गया, आपका समय हो गया और आपका त्वरण हो गया, ये तीनों तो आपके बेसिकली किससे, चाल से संबंधित हैं, लेकिन द्रव्यमान आपका चाल से संबंधित नहीं है, द्रव्यमान आपको वजन से संबंधित है, तो द्रव्यमान आपका अलग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे आखिरी, कि भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं, ठीक है सर आ चुके हैं तो मैं एक बार जल्दी से करा देता हूं, ठीक है। सर्वाधिक व्यापक कौन से हैं दोस्तों, तो सर्वाधिक व्यापक है आपके पर्णपाती वन, ठीक है, पर्णपाती वन आपके सबसे ज्यादा भारत में पाए जाते हैं। पर्णपाती वन कौन से होते हैं दोस्तों, जिनमें पत्ते बहुत ज्यादा झड़ते हैं, साल में एक बार पत्ते झड़ते हैं जिसमें से, ठीक है, पर्णपाती वन में साल में एक बार पत्ते झड़ते हैं, ये आपके जो पर्वतीय, जो आपके कौन से एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ना, जिन उनमें, मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, ठीक है, उनमें आपके पत्ते कभी नहीं गिरते, ठीक है, और इसमें आपके साल में एक बार पत्ते गिरते हैं, कटीले वाले में आपको पता ही है क्या होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसी के साथ सेशन को खत्म करेंगे आज के, ठीक है, सर आ चुके हैं, आपकी रीजनिंग की क्लास होगी इसके बाद, ठीक है बच्चे, 37 ही थे इसमें, ठीक है, कल से 40 रखा करूंगा, थोड़ा स्पीड से करा दिया करूंगा, लेकिन दिक्कत ये है 40 रखूंगा तो फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं दे पाता हूँ, जैसे लास्ट के 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया मैं, बीच में भी कहीं में मैंने वैसा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्किप की है, तब कहीं जाके यहाँ तक पहुँच पाए हैं, ठीक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे, हाँ दोस्तों मैं PDF अभी सेव कर दूंगा, आपको डलवा दूंगा कल सुबह तक, ठीक है, क्योंकि अभी तुरंत सर की क्लासेस तुरंत तो नहीं डल पाएगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको कल सुबह क्लास से पहले जब मैं आऊंगा तो आपको डलवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगर किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ भी बोलना हो तो बोल सकता है, नहीं तो हम लोग क्लास खत्म करेंगे, ठीक है दोस्तों, टेक केयर, क्लास खत्म करेंगे, इसके बाद सर की क्लास होगी, ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।